तो स्टेट की बहाली को सीधे सीधे बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने तबाह किया है। जो नॉन मेरिट में है, जिनको आपने कह दिया था कि आप अपनी नौकरी पक्की समझिए, और जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, आप इनके साथ नाइंसाफी मत कीजिए, क्योंकि आपने कहा है एडवर्टाइजमेंट में कि ये जो बहाली है ये कॉम्पिटिटिव बहाली है, तो आप सबको नौकरी दीजिए, आपके पास तो सीटें तो 3 लाख खाली हैं। जरूरी है। अब देखिए, मैं इस मुद्दे को काफ़ी नीचे तक उठा चुका हूँ। बिहार स्टेट का मुद्दा मैंने एकदम शुरुआत से उठाया हुआ है, और विधानसभा के अंदर हमने यही कहा था। देखिए, 37,000 बहाली के लिए सरकार 37 गलतियाँ कर चुकी है स्टेट के मामले में। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ और नंबर अनाउंस हुआ, 21 जून को जो रिजल्ट आया उसमें कुछ और नंबर अनाउंस हुआ, बाद में सरकार कुछ और डेटा कह रही है। तो स्टेट की बहाली को सीधे सीधे बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने तबाह किया है। इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री से भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ, शिक्षा सचिव से भी मिल चुका हूँ, और विधानसभा में मैंने सवाल भी दिया है। हमने यही कहा है कि आप दोनों अभ्यर्थी जो नॉन मेरिट में हैं, जिनको आपने कह दिया था कि आप अपनी नौकरी पक्की समझिए, और जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, आप इनके साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। सरकार की गलती है, विभाग की गलती है, आपके पास जो भी जो लोग हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो विक्टिमाइज नहीं होने चाहिए। उनको इसका वो नहीं भुगत सकते हैं आपकी गलती का खामियाजा। तो मैंने विधानसभा के अंदर सुझाव दिया था, सरकार से सवाल पूछते हुए मैंने कहा था कि जो इनटेक है, मतलब जो सीटें अवेलेबल हैं, जो सरकार ने घोषित कर रखी है, अलग अलग जो नियोजन इकाइयां हैं उन्होंने जो सीटें चिन्हित कर दी है सरकार को कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, उन तमाम आपके पास जो वैकेंसी है उसमें आप उसकी संख्या और जोड़िए, और सारे लोगों को आप ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि आपने कहा है एडवर्टाइजमेंट में कि ये जो बहाली है ये कॉम्पिटिटिव बहाली है। अब जब कॉम्पिटिटिव बहाली है, प्रतियोगी परीक्षा है, आपने कहा है कि भाई पहले की किसी परीक्षा से ये अलग है, इस लिहाज से हम सीट के बराबर ही लोगों का रिजल्ट जारी करेंगे, और एक तरफ आपने कह दिया है सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स से कि आपकी नौकरी पक्की है, यही आपका रिजल्ट है, तो आप सबको नौकरी दीजिए, आपके पास तो सीटें तो 3 लाख खाली हैं, सब मिलाकर के 70-80 हज़ार हो रहे हैं, आप सबको नौकरी दीजिए। आपने मिस्टेक किया। आप समझिए, एक मेरे पास छात्र का फ़ोन आता है 12 मार्च के बाद, जब उसकी सरकार ने कहा कि सबकी नौकरी पक्की समझिए, तब उसकी शादी तय हो गई। लोगों को लगा कि नौकरी पक्की समझिए, अगर सरकार खुद ही कह रही है, शिक्षा मंत्री खुद ही कह रहे हैं, तो इनकी तो नौकरी है। उसकी शादी तय हो गई और शादी टूट गई बाद में। तो ऐसे लोगों का सरकार के पास क्या जवाब है? शिक्षा मंत्री अगर मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हाँ सबका नौकरी हो जाएगा, आप क्योंकि सीट से कम हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, 12 मार्च की बात है, तो अब वो लोग क्यों भुगते? इसलिए हमने सजेशन दिया कि आप इनटेक बढ़ा लीजिए, अपना सीट बढ़ा लीजिए, सबको लीजिए, और ये नियोजन सिस्टम जो बिहार में है, ये जब तक बिहार में रहेगा, आप समझिए कि शिक्षकों की कमी जो है वो नहीं पूरी नहीं हो पाएगी, उसमें फंसान है, सीटें खाली रह जाती हैं किसी भी हालत में।